हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2019 और यह हमारी 94वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में 20 रूपए के सिक्के को किसने जारी किया है? जिसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में पीएम मोदी ने 20 रूपए के सिक्के जारी किए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा पीएम आवास से 1, 2, 5 और 10 रूपए के सिक्के जारी किए गए हैं। इन सिक्कों को विशेष तकनीक से बनाया गया है, ताकि जो दृष्टिहीन है वो भी इसे पहचान सके। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है 20 रूपए का सिक्का, जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 8 मार्च। हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिला और पुरुषों के बीच समानता पर फोकस करना है। इस दिवस की शुरुआत 1977 में यानी 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है बैलेंस फॉर बेटर। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम है बैलेंस फॉर बेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में BARC का निदेशक किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अजीत कुमार मोहंती। हाल ही में अजीत कुमार मोहंती को BARC का निदेशक चुना गया है। अब ये BARC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, BARC का फुल फॉर्म होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। BARC की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका नाम बदलकर 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया है। आपको बता दें, BARC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका मोटो है एटम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ये BARC का मोटो है और हाल ही में महानिदेशक अजीत कुमार मोहंती को चुना गया है। तो इतना आपको BARC के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस देश ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समाप्त करने की घोषणा की है। इस सिस्टम के समाप्त होने से भारत और अमेरिका व्यापार और निवेश, आयात और निर्यात में बहुत फर्क पड़ेगा। इससे लगभग 2000 भारतीय प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। आपको बता दें, GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस 1976 में व्यापार अधिनियम के तहत किया गया था। आपको बता दें, इस अधिनियम के तहत अमेरिका 129 देशों के साथ यानी 129 देशों के साथ 4800 से ज्यादा प्रोडक्ट विदाउट चार्ज एंट्री प्रदान करता था। अब GPS पर अमेरिका ने समाप्ति की घोषणा की है। तो आपको अमेरिका के बारे में बता दें, मैप में ये जगह अमेरिका को दर्शाती है। अमेरिका की राजधानी है Washington DC और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। और हाल ही में अमेरिका ने GSP सिस्टम को भी समाप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की पेशकश की है? तो इसका सही ऑप्शन है चीन। हाल ही में चीन ने रक्षा बजट में वृद्धि की पेशकश की है। आपको बता दें, चीन ने रक्षा बजट में 7.5% यानी 7.5% वृद्धि की पेशकश की है। चीन का रक्षा बजट बढ़कर 177.6 यानी 177.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, भारत का रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से लगभग 3 गुना कम है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात आई है चीन की, तो मैप में आपको चीन के बारे में बता दें, ये जगह है चीन को दर्शाती है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो इतना आपको चीन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है?
तो इसका सही ऑप्शन है 7 मार्च। हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। अब बात आई है इम्पोर्टेंट डेज की, तो जो मार्च में अभी तक इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आपको बता दें। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी व्हाट इज। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया और 3 मार्च को ही नेशनल डिफेंस डे मनाया गया। अब 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जिसका सही ऑप्शन है अराता इसोजकी को। हाल ही में अराता इसोजकी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जापान के रहने वाले हैं और यह पुरस्कार पाने वाले ये जापान के 8वें व्यक्ति बने हैं। आपको बता दें प्रतिष्ठित पुरस्कार जो वर्ल्ड में बेस्ट आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 यानी 1979 में की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, भारत के पहले आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है 2018 में। एक बार फिर आपको बता दें, भारत के पहले व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार 2018 में दिया गया था और यह पुरस्कार हाल ही में अराता इसोजकी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, युवाश्री अर्पण योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, जिसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में युवाश्री अर्पण योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो मैप में आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता दें। ये जगह है पश्चिम बंगाल को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो और किस संस्था के बीच समुद्री निगरानी को लेकर सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सही ऑप्शन है CNES। हाल ही में CNES और इसरो के बीच समुद्री निगरानी को लेकर सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये CNES क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म बता दें, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी को CNES कहा जाता है। इसरो और CNES एक समुद्री निगरानी केंद्र भी स्थापित करेंगे। इसके अलावा गगनयान प्रोजेक्ट में भी CNES प्रशिक्षण देगा भारत को। आपको बता दें गगनयान प्रोजेक्ट में भारत ने रूस से भी समझौता किया है। अब बात आइए इसरो की, तो आपको इसरो के बारे में बता दें, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में की गई थी। इसरो के हेड हैं के सिवान और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो इतना आपको इसरो के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेशन प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन बना है, जिसका सही ऑप्शन है मदन महल स्टेशन। हाल ही में मध्य प्रदेश का मदन महल स्टेशन प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन बना है और देश का तीसरा पिंक स्टेशन बना है। आपको बता दें मदन महल स्टेशन जबलपुर में स्थित है। अब ये पिंक स्टेशन क्या है, आपको इसके बारे में बता दें, पिंक स्टेशन का मतलब होता है स्टेशन का पूरा संचालन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। मदन महल थर्ड है, तो पहले नंबर पर जो पिंक स्टेशन बना था वह है गुजरात का गांधीनगर और दूसरा है मटुंगा स्टेशन। तो आपको याद रखना है प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन है मदन महल और देश का पहला पिंक स्टेशन है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2019 लाया गया है, जिसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2019 लाया गया है। इस अध्यादेश में बहुत से विश्वविद्यालय के नाम चेंज किए जाएंगे और हाल ही में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर प्रोफेसर राजेंद्र सैन विश्वविद्यालय किया गया है। फैजाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
अवध विश्वविद्यालय किया गया है। अब ये संशोधन उत्तर प्रदेश लाया है, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, मैप में ये जगह उत्तर प्रदेश को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाईक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 3 परमाणु पनडुब्बी की डील हुई है? इसका सही ऑप्शन है रूस। भारत और रूस के बीच 3 परमाणु पनडुब्बी को लेकर एक डील हुई है। आपको बता दें इन पनडुब्बियों को चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। जो 3 परमाणु पनडुब्बी रूस भारत को देगा उन्हें चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नेवी को यानी नौसेना को 2025 तक ये परमाणु पनडुब्बी दी जाएंगी। आपको बता दें 1988 में यानी 1988 में रूस ने ही नौसेना को पहली परमाणु पनडुब्बी दी थी। अब बात आई है रूस की, तो मैप में आपको रूस के बारे में बता दें, ये जगह है रूस को दर्शाती है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।